हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आज सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करें। आज सुबह के समय में प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की जय जयकार करें। जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, परमेश्वर की स्तुति करें। हमारा परमेश्वर महिमा में परमेश्वर है। हालेलुया, ओ परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, कितने लोग आज के सुबह के समय को देख नहीं पाए, लेकिन प्रभु जी ने आपने पिता परमेश्वर सभी लोगों को, सभी भाई बहनों को अपने नया दिन दिखाया और एक नया दिन सभी भाई बहनों के जीवनों में जोड़ कर दिया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते हैं। आपने हमें नया जीवन दान दिया सभी लोगों को पिता परमेश्वर, श्वास दिया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, ताकि आज के दिन भी प्रभु जी हम आपकी स्तुति में तारीफ कर सके। आज सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करें। जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी लोग प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर जो स्तुतियों में निवास करने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर की तारीफ करें। जो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया, प्रभु जो आश्चर्य कर्म करता। कई लोग सोचते कि प्रभु आश्चर्य कर्म किया तो है, लेकिन अब मेरे जीवन में नहीं करता, या मेरे जीवन में मैं कभी देखूंगा कि भी नहीं देखूंगा करके सोचते। लेकिन याद रखे कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, और आश्चर्य कर्म करने से, अद्भुत काम करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रभु की स्तुति हो और प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु सब कुछ ठीक कर सकता है, सब कुछ बदल सकता है, इसलिए प्रभु पे भरोसा रखें। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। कई लोग एकांत या हो सकता है अकेले जीवन जी रहे, उनको कभी तो ये हो सकता है, बहुत सारे लोग होते हैं उनके परिवार में, लेकिन फिर भी अपने जीवन में अकेला महसूस करते हैं। एकांत का जीवन, निराशा का जीवन। हालेलुया, कई लोगों के जीवन में ऐसा है कि छोड़ दिया है। हो सकता है आपसे प्यार नहीं करता कोई, हो सकता है आपके साथ रहना पसंद नहीं करते, हो सकता है बीमार है इसलिए आपको अकेला छोड़ दिया, हो सकता है आपके पास पहले सब कुछ था लेकिन अब आपके पास कुछ नहीं, तो आपसे कोई प्रेम नहीं करता और आप अब अकेले रह गए हैं, आप अकेले का जीवन जी रहे हैं। हो सकता है आपका जीवन साथी आपको छोड़ दे और आप अकेले जीवन जी रहे हैं। लेकिन याद रखे परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14 अध्याय और उसका 18वां वचन में पढ़ते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। परमेश्वर की तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो। देखो परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुम्हें अनाथ कभी ना छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूँ। हालेलुया, इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप अकेले तो ये मत कह कि मैं अकेले हूँ, परमेश्वर आपके साथ है। आनंदित हो जाए, मगन हो जाए उस वायदों पर, परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करो, भरोसा रखो। वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूँ, परमेश्वर कहता है। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत दर्द से, पीड़ा से गुजर रहे हैं, आपके जीवन में समस्याओं से चारों ओर घिरे हुए हैं और आप अकेले पड़ चुके अपने जीवन में। कोई आपकी परवाह नहीं करता, कोई आपकी चिंता नहीं करता, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता है और कोई पर विश्वास नहीं करता है, आपको तुच्छ समझता, आपको बेकार कहते हैं। लेकिन याद रखे परमेश्वर, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु ने वायदा किया है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तुम मत डर, मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। आज आपको क्या करना है, अपने आपको प्रभु के आगे समर्पण करना है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, देखो परमेश्वर ने इतना सुंदर वायदा किया कि मैं तुम्हें नाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो। जब कई बार होता कि लोग आसपास होते हैं, सब लोग होते हैं परिवार में, लेकिन फिर भी अकेलेपन का वो अनुभव करते, वो महसूस करते हैं, खालीपन को महसूस करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता कि मेरी उपस्थिति में चल। हमें परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होती है, जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तो क्या होता है हमारे जीवन में, क्या होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, हमें डर नहीं लगता, हमें भय नहीं होता, और हमें क्या लगता है कि अरे परमेश्वर तो मेरे साथ है, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की जब उपस्थिति को महसूस करते अपने जीवन में, आप आनंद से भर जाओगे जब प्रभु की उपस्थिति को महसूस करोगे। परमेश्वर क्या कहता है अब्राहम से, हे अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, जब हम प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, तो हमारे जीवन में आनंद रहता है, कोई दुख नहीं, कोई रोना नहीं। हालेलुया, प्रभु क्या कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, प्रभु कहते हैं, और अपने धर्म में देने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं 68 अध्याय में, वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है जिनका कोई नहीं है, और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। परमेश्वर की तारीफ और प्रभु का धन्यवाद हो। याद करें पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तो कितने लोग क्या हो गए, अकेले थे और अकेले रहते रहते निराश हो गए थे। कई लोग घर में फंस गए थे और अकेले की वजह से कई लोग डिप्रेशन में चले गए। कई लोग तो डर के कारण सुसाइड भी कर लिया। कई लोग जो मित्रों से अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे थे जिनसे वो प्रेम करते थे, और वो डिप्रेस्ड हो गए। हालेलुया। लेकिन देखो जब हम भी तो लॉकडाउन में थे लेकिन हमें ऐसा कोई भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में थे, इसलिए हम आनंद से भरपूर थे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। देखो हर परिस्थिति में परमेश्वर मेरे संग रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। प्रभु सत्य मार्ग और जीवन है। लेकिन देखो लॉकडाउन में पता चला बहुत लोगों को, और हम क्या करें, कैसे करें। दूसरे लोगों को देखते जो यीशु को नहीं जानते, वो अकेलेपन में थे, डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेस्ड हो गए, कई लोग डर के मारे सुसाइड कर लिया। बहुत सारे ये खबरें आई लॉकडाउन में, बल्कि हमें क्या मिला, और भी हमें प्रार्थना करने के लिए समय मिला, और भी वचनों को पढ़ने के लिए, और भी प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर की तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो। वो हमारा परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मेरी उपस्थिति में चले, परमेश्वर का तेज आपके पीछे पीछे चलता रहे। हालेलुया, बोलो यहोवा मेरा अच्छा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा अच्छा चरवाहा है, मुझे किसी भी वस्तु की कोई कमी घटी ना होगी। हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब हम यशायाह की किताब पढ़ते 49 अध्याय में उसको 16 वचन में, देख मैंने तेरे चित्र अपनी हथेलियों में खोदकर बनाया है, तेरी शर्पना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। देखो परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। प्रभु कहता है कि देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों में खोदकर बनाया है। उसने हमारा चित्र को अपने हथेलियों में खोदकर बनाया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। हमसे कितना प्यार करते हैं, परमेश्वर की स्तुति हो। वो बताना चाहता है कि यदि माँ तुझे भूल जाए लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। प्रभु का वचन कहता है यदि आज आप अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, हो सकता है डिप्रेशन में, हो सकता है आपसे कोई बात नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, याद रखिए परमेश्वर आपके साथ है। हो सकता है कोई सहायता करने के लिए नहीं आता। आज आपको पैसे की जरूरत है, आपको बहुत सारी हेल्प की जरूरत है, मदद की जरूरत है, लेकिन कोई कोई सहायता करने नहीं आ रहा, लेकिन परमेश्वर सहायता करता है, वो मदद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो अपने लोगों को नहीं छोड़ता। परमेश्वर सब कुछ पूरा करके देता है, सारी जरूरतों को पूरा करके देता है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। देखो जो हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को ध्यान से, पौलुस पत्रस पौलुस क्या थे, पौलुस वो जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन वहां पर उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की, आराधना की, प्रभु का धन्यवाद किया आधी रात में, और वो सारी बेड़ियां टूट गई। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप अकेले, यदि आप निराशा की स्थिति में, परमेश्वर की स्तुति करें, भजन गाएं, गीत गाएं, परमेश्वर को पुकारें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। हो सकता है आप अपने जीवन में बंदी गृह में, या फिर आप झगड़े हुए के समान महसूस करते हैं। हो सकता है आपके अपने लोगों ने आपको छोड़ दिया। हालेलुया, आपसे प्रेम नहीं करते, लेकिन परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलो और सिद्ध होते जाओ। परमेश्वर के उस आनंद को ले लो अपने जीवन में। परमेश्वर आपको आनंद के गीतों से घेर लेगा। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। परमेश्वर आपके दिनों को क्या करेगा, ब्लेस करेगा, आशीष देगा। हालेलुया, डरे मत, घबराए मत, परमेश्वर आपके संगो साथ है। परमेश्वर क्या कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया, परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वो हमारे बीच में निवास करना चाहते हैं, वास करना चाहते हैं, वो आशीष देना चाहते हैं। वो उसका प्रेम महान है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। मसीह में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने वायदा किया है कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। इसलिए आप डरे मत, घबराए मत, आपके दर्द में, आपके दुख में, तकलीफों में परमेश्वर को उठा के चलेगा। परमेश्वर आपके दर्द और दुखों को दूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो कभी अकेला नहीं छोड़ता हमें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी, परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया, बोलो परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है।
प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बोलो मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे संगो साथ है। हम जहाँ जहाँ जाएंगे परमेश्वर के संगो साथ है। धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। आपके जीवन में कैसी भी स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कितने भी समस्याओं से चारों घिरे हुए क्यों ना हो, लेकिन याद रखे परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर को पुकार उसी परिस्थिति में, परमेश्वर के जीवन में सब कुछ ठीक करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है, इसलिए परमेश्वर के साथ है। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। परमेश्वर वो हमसे प्यार करता है, वो कभी मैं न छोड़ता है न कभी त्यागता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। भजन संहिता में पढ़ते वहां पर लिखा हुआ है कि अनाथों का तू ही सहायक रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। किस लिए याद रखे, अब जो परमेश्वर से मांगोगे परमेश्वर आपके लिए करेगा, सब कुछ देगा। बाइबल क्या बताती है कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की तारीफ। इसलिए परमेश्वर हमारे भला है। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, तो प्रभु सुनता है, परमेश्वर सुधी लेता है, परमेश्वर दुखों को दूर करता है, आनंद से भर देता है। परमेश्वर आपके जीवन का एक मोड़ में आपके संगो साथ है, आपको बचाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है, उसके लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। और आप अपने जीवन में यदि परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में वो चमत्कार को देखने वाले हो। परमेश्वर आपके घर को बसाएगा, परमेश्वर को ऊंचा करेगा, परमेश्वर को खड़ा करेगा, परमेश्वर को ब्लेस करेगा। धन्यवाद। इस डरे मत, घबराए मत, परमेश्वर आपके संगो साथ है। संसार आपको छोड़ दे, रिश्तेदार आपको छोड़ दिए, आपके अपने लोग, आपके पति आपको छोड़ दिए, आपकी पत्नी ने आपको छोड़ दिया, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तेरे संगो साथ हूँ। परमेश्वर में शांति देने वाला परमेश्वर। संसार के लोग जो संसार की जो शांति में शांति नहीं मिलती, लेकिन परमेश्वर शांति देता है। वो था मैं तेरा शांति दाता हूँ, मैं तेरा शांति देने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखे, आपका जीवन में हर एक मोड़ पे परमेश्वर के संगो साथ। याद रखना, किसी भी कष्ट में, किसी भी मुसीबत में, किसी भी परेशानी में आपने परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर के संगो साथ है। आइए अपनी आंखों को बंद करिए, प्रार्थना में जाए। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी, मेरे एक जन के यीशु मसीह के लोहे में कवर करती सभी आशीष होकर बदल जाए। महिमा में परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, प्रभु आप संगो साथ है प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे एक जन के यीशु मसीह के लोहे में कवर करती हूँ प्रभु, मदद करने वाला प्रभु, सहायता करने वाला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रब शांत, रब कतिर, रब शांत। अपने आप को आज परमेश्वर के आगे सरेंडर करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड जीसस, जो हमसे प्यार करता है पिता परमेश्वर, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा सहायक हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु कहता है सचमुच प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी मदद करेगा। बोलो परमेश्वर मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, जिसे कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रब शांति, रब कतिर, रब शांति, रब कतिर। मैं प्रार्थना करते हैं एक जन के यीशु मसीह के लिए हमें कवर करते हैं, आशीषों को बदल जाए। हालेलुया। प्रभु के साथ है, परमेश्वर ने आपको कभी ना छोड़ा ना कभी त्यागा है। हालेलुया। आज परमेश्वर के निकट है, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की उपस्थिति में जब रहते हैं तो आनंद से भर जाते हैं, वो आनंद आपके जीवन में पूरा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, जो दर्द में है, जो बीमारी में, जो समस्या में, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। मैं प्रार्थना करते हैं एक दर्द और बीमारी को मैं डांटते हुए जीवन से निकालती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के समर्थन में आजाद हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रब शांति, रब कतिर, रब शांति, रब कतिर। मैं प्रार्थना करते जाता हूँ यीशु के समर्थन नाम में, हर एक दर्द, हर एक परेशानी अपने जीवन का परिवार को छोड़ के जाए। बट डिलीवर्ड द मैटेरियल ऑफ जीसस, अपने शरीर के ऊपर, अपने अपने बॉडी के ऊपर हाथ रखे, अपने सिर के ऊपर हाथ रखे। मैं डांटते हर बीमारी को जीवन से, जब आपके शरीर को छोड़ के जाए, हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, एक समस्या आपके जीवन से, आपका परिवार को छोड़ के जाए। हर एक लाइलाज बीमारी को मैं डांटते आपके परिवार से निकालते, आपके जीवन से निकालती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के समर्थन नाम में। चाहे पीलिया हो, चाहे लाइलाज बीमारी हो, चाहे कुछ भी बीमारी हो, यीशु के समर्थन नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से ज्यादा चंगे हो जाए, कैंसर की बीमारी जाए, गले के दर्द से आजाद हो, चंगे हो जाए, आपकी हड्डी के रोग समस्या जाए, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, हर एक दर्द खत्म हो जाए, बॉडी का दर्द, शरीर का दर्द खत्म हो जाए, सर्वाइकल के प्रॉब्लम को डरते जाते चंगे हो जाए, जो खाना नहीं खा पाते खाना खाने लगे, जो बोल नहीं सकते बोलने लगे, जो सुन नहीं सकते सुनने लगे, जो देख नहीं सकते देखने लगे। हर गुंगी बहरी आत्मा को, हर एक स्पिरिट आपके जीवन से निकालती है, हर एक पैरालाइज्ड के स्पिरिट आपके जीवन का परिवार को छोड़ के जाए, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, यीशु के समर्थन नाम में। जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, मैं प्रार्थना करते जाते चंगे हो जाए, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जाते चंगे हो जाए, प्रभु ने
बच्चा छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, इसी वक्त हर दर्द जाए, हर परेशानी जाए, हर एक समस्याएं जाए। ओ रब शंतर रब कतिर रब शंतर रब कतिर, मैं प्रार्थना करते जाता जाए, मैं प्रार्थना करते इसी वक्त जाता जाए। हर एक दर्द, हर एक हन्या के प्रॉब्लम जाए, हर हर मस की जो प्रॉब्लम है समस्या आजाद हो चुके हो यीशु मसीह के समर्थ नाम। जो डिप्रेशन है, जो हेडेक है, जो माइग्रेन की समस्या है, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए यीशु के समर्थ नाम में। हर एक दर्द जाए यीशु के समर्थ नाम में। हर एक बीमारी आपके शरीर से खत्म हो जाए, थायराइड की प्रॉब्लम जाए यीशु के समर्थ नाम में। हालेलुया, प्रभु चंगा कर दे, धन्यवाद करती हूं। शरीर में जो भी दर्द है, जो भी बीमारी है, यीशु के समर्थ नाम में निकालते जाता, चंगा हो जाए। हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए। पेट का दर्द, जिनको पेट का दर्द है, प्रभु यीशु के समर्थ नाम में डरते पेट का दर्द से आजाद हो जाए। हालेलुया, रब शंतर रब कतिर रब शंतर रब कतिर रब अंतिर, प्रभु जी अपना चंगा कर दे, छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, दर्द जा चुकी है, हर एक समस्या जा चुकी है, हर एक परेशानी जा चुकी है, यीशु मसीह के समर्थ नाम में। हालेलुया, रब शंतर रब कतिर रब शंतर रब कतिर, ओ लॉर्ड जीसस, सबकी स्तुति में मताई था। प्रभु चंगा कर दे, छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करते, घुटने का दर्द जाए, हड्डी के रोग समस्या जाए, यीशु के समर्थ नाम में। हालेलुया, झुक नहीं सकते, झुकने झुक के देखे आजाद हो चंगे हो चुके हैं। जो चल नहीं सकते, चलने लगे, यीशु के समर्थ नाम में। जो बच्चे बीमार आजाद हो चंगे हो जाए, प्रभु चंगा करते, मैं धन्यवाद करते, यीशु के समर्थ नाम। हर एक गुप्त प्रॉब्लम जाए, हर एक पथरी खत्म हो जाए, मेल ठोकर बाहर निकल जाए, जो मैंने को रसवाली, यीशु के समर्थ नाम में। फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु अपने चंगा करते, धन्यवाद करते। घाव सुख जाओ, चंगे हो जाए, यीशु के समर्थ नाम में। हर एक इन्फेक्शन खत्म हो जाए, स्किन की एलर्जी खत्म हो जाए, प्रभु चंगा करते, छुटकारा दे दे। धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते। हालेलुया, प्रभु चंगा करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर की स्तुति। जो बच्चे बीमार है, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आपका घराना बचा जाए, मैं सालवेशन की घोषणा करते यीशु के समर्थ नाम में। प्रभु चंगा करते, धन्यवाद करते, तंत्र मंत्र के दुष्ट आत्मा के जीवन से के परिवार से निकालती हूं। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आजाद हो जाए यीशु के समर्थ नाम में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पति पत्नी का जीवन एक होकर बदल जाए, एक लड़ाई झगड़े के स्पिरिट को जीवन से परिवार से निकालती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम में, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु चंगा कर दिया, प्रभु छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। आप अकेले नहीं है, परमेश्वर के संग साथ है, परमेश्वर पर भरोसा रखे, प्रार्थना करे, वचन पढ़े। हालेलुया, आजाद हो जाए स्पिरिट, जो आपको इस तरीके से आपके मन में लेकर आती है बातें, हर एक नेगेटिव थॉट्स, हर एक बुरे विचार से आजाद हो जाए, विचार के स्पिरिट से आजाद हो जाए। प्रभु यीशु के समर्थ बुरी आदतों से आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सभी पवित्र होने के बुलाए गए, अपने आप को पवित्रता कर समाप्त कर दीजिए। मेल मिलाप परमेश्वर के साथ आपका पूर्ण रीति से हो जाए, यीशु के समर्थ नाम में। मैं प्रार्थना करती, मेल मिलाप परमेश्वर के साथ, मेल मिलाप करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़े, यीशु के समर्थ नाम। राशि छोकर बदल जाए, हरे पाप से आजाद हो जाए, गंदगी आदतों से आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दे, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जो मुंह से गलत बातें को बोलते आजाद हो जाए, यीशु के समर्थ नाम में। मैं फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जिनके जीवन में लड़ाई झगड़े, जो डाइवोर्स चल रहा है, यीशु के समर्थ नाम में आजाद हो जाए, होकर बदल जाए। प्रभु ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती हूँ। मन लोगों के लिए प्रार्थना करती, जो नशा करते हैं, प्रकार के नशा आपके जीवन से निकलती आजाद हो जाए। हाँ यीशु के समर्थ नाम में, स्पिरिट गंदगी आदतों से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के समर्थ नाम में, आपके जॉब को मैं ब्लेस करती, आपके बिजनेस को ब्लेस करती, छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस होकर सब बदल जाए, यीशु के समर्थ नाम में। आपके जॉब में ब्लेसिंग्स की घोषणा करती यीशु के समर्थ नाम में। प्रभु ब्लेस करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, ने जॉब के साथ ब्लेस किया, आपने ब्लेस किया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती। इंक्रीमेंट और प्रमोशन की घोषणा करती यीशु के समर्थ नाम में। प्रभु अपने उन डेल दिए अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सिर्फ प्रार्थनाओं को सुनने प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस। जिनका केस चल रहा है यीशु के समर्थ नाम में, प्रभु ब्लेस कर दिया, छुटकारा दे दे, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु के संग साथ है परमेश्वर, का वचन कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे देना, मैं अपने धर्म में देने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु को वचन कहता है, सचमुच में प्रभु गिरने से बचाएगा, प्रभु परमेश्वर ने संभाला, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति में मैं तारीफ करूं। प्रभु के पीछे पीछे चलने के लिए अनुग्रह देना, आत्मिक जन बढ़ने के लिए विशेष अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, एक जन के यीशु मसीह के समर्थ नाम में। हालेलुया, प्रभु जी सर प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करते, इनके हर एक जरूरत को पूरा करके देना। इनके आने जाने मार्ग सर जो तिवाड़ में रहते शकिल में कवर करती हूँ। आखिर रुके हुए पैसे को रिलीज करती, पेमेंट को रिलीज करती हूँ, पीएफ को रिलीज करती, यीशु के समर्थ नाम में। सब आशीष को बदल जाए, आपका लोन क्लियर हो, यीशु के समर्थ नाम में आजाद हो जाए, आपके कमाई का सोर्स आशीष में होकर बदल जाए। प्रभु सारे प्रार्थना को सुनने, धन्यवाद करते, जल्द आने वाले तैयार कीजिए, और आज भी आपका गुणों से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। जिस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे वचन से मांगते सुनने कबूल कर लीजिए पिता, आमेन। सभी बोले हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। मसीह में प्रभु बहन आप अकेले नहीं है, याद रखिए परमेश्वर आपके संग साथ है, चिंता ना करें, परमेश्वर पर भरोसा रखे, प्रार्थना करें, वचन पढ़े, और आप अपने जीवन में अद्भुत गवाहियों को देखने वाले हो प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम में। तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, प्रार्थना करना ना छोड़े, प्रभु सदा आनंदित रहे। हालेलुया।
तो जो भाई मैं प्रार्थना करवाना चाहते हैं अपने सेंटर में कॉल करके विश्वास के साथ प्रार्थना करवाएं, अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप नंबर में शेयर करें, अपनी भेंट, अपनी दशमांश, अपनी थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू दे सकते हैं या फिर बैंक के थ्रू दे सकते हैं। डिटेल्स को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। चल भवन की जमीन के लिए लगातार प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए, टीम के लिए, के लिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना करें ताकि आप परमेश्वर के कामों को सुसमाचार को फैला सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य उपस्थित कर सके। परमेश्वर के आगमन में हम सभी तैयार हो सके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। तो आज रविवार की प्रार्थना सभा 9 बजे स्टार्ट होगी। इस मीटिंग को अटेंड करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।